दोस्तों आज मैं आपको फैक्ट्री में माचिस बनते हुए दिखाने वाले हैं, जो कि हमारे घरों में डेली यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट है। तो दोस्तों एक रुपए की माचिस की डिब्बी बनाने के पीछे कितने मेहनत लगती है ये आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों माचिस बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है लकड़ी के चलन से। तो दोस्तों माचिस बनाने के लिए ज्यादातर देहूदार की लकड़ी की उपयोग की जाती है और फिर लकड़ी को चीर कर पतला किया जाता है, जिससे कि माचिस की तीलियां आसानी से बनाई जा सके। अब इसे एक कटर मशीन से काटा जाता है, जो कि इस लकड़ी को माचिस की तीली की तरह माचिस के तीली की आकार में काटती है। एक मिनट में ये मशीन 8 से 10 हजार तक माचिस की तीलियां काट देती है। अब इन तीलियों को इकट्ठा करके इस तरह से छन्नी पर फैलाया जाता है। ऐसा करने से टूटी फूटी माचिस की तीलियां इसमें से बाहर निकल जाती है और अब इन माचिस की तीलियों पर जलने वाले ज्वलनशील पदार्थ लगाया जाता है, जिसे पैराफिन वैक्स कहा जाता है। इसे बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड जिलेटिन कैप्सूल और फास्फोरस को आपस में गर्म पानी में अच्छी तरह मिलाया जाता है। इन तीनों का आपस में मिलाने से ज्वलनशील पदार्थ बनता है। और ये माचिस की तीलियों में आसानी से चिपक जाता है। माचिस की तीलियों पर इसे लगाने के लिए माचिस की तीलियों को इस मिश्रण में डुबाया जाता है और इस तरह से माचिस की तीलियां बनकर तैयार हो जाती है। और अब बारी आती है माचिस की बॉक्स बनाने की, जिसके लिए कार्डबोर्ड का उपयोग किया जाता है। और इसे मशीनों द्वारा माचिस के बराबर के आकार में काटा जाता है और इसके बाद इन पर पेंटिंग करके कंपनी का नाम, मोहर और कंपनी का ब्रांड और कंपनी का सारा पहचान छापा जाता है। और फिर इसे लेमिनेट कर दिया जाता है। इसके बाद इसका घर्षण वाला पार्ट को तैयार किया जाता है। माचिस की तीली का अगला हिस्सा और इसे एक साथ रगड़ने पे माचिस की तीलियां जलने लगती है। इसे माचिस के डिब्बों के दोनों सतहों पर बनाया जाता है। इसके बाद इसे बॉक्स के रूप में जोड़ दिया जाता है और इस तरह से माचिस का बॉक्स बनकर तैयार हो जाता है। और अब माचिस के अंदर का बॉक्स बनाया जाता है। अंदर के बॉक्स बनाने के लिए कार्डबोर्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में कार्डबोर्ड को डालने से ये मशीन बॉक्स को आसानी से बनाकर बाहर निकाल देता है। इस तरह से ये माचिस कार्डबोर्ड को काटने और चिपकाने का काम आसानी से मिनटों में कर देते हैं। और इस बॉक्स में माचिस की तीलियों को भरा जाता है और भरने के बाद इसके बाहर से कवर बॉक्स चढ़ाया जाता है। इस प्रकार माचिस बॉक्स बनकर पूरी तरह तैयार हो जाता है और अब इसे पेटियों में भरकर मार्केट में सप्लाई की जाती है। तो दोस्तों छोटी सी दिखने वाली ये माचिस की डिब्बी को बनाने के लिए इतनी सारी प्रोसेस से गुजारा जाता है। तो दोस्तों आपको माचिस बनाने की ये प्रक्रिया कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।